नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिपू। ग्रिप प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल से ग्राफिक डिजाइन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये होर्डिंग बनाकर दिखाऊंगा। होर्डिंग दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है जो कि आपको बाहर सड़क पे ऐसा देखने को मिलता है, बड़े बड़े कंपनी का ऐड होता है, उसको होर्डिंग बोला जाता है। वो आज मैं ऐसा आपको बनाकर दिखाऊंगा, बल्कि मैं यही वाला आपको बनाकर दिखाऊंगा। होर्डिंग में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लेफ्ट साइड में जो है आप प्रोडक्ट या फिर कोई इमेज है वो लेफ्ट साइड में लगाए और राइट साइड में जो है टेक्स्ट वगैरह लगाए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में अगर आप राइट साइड में टेक्स्ट डालते हैं। तो होर्डिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर एक होर्डिंग में बिल्कुल यही चीज़ देखने को मिलता है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में इमेज है और राइट साइड में आपका मेन टेक्स्ट होता है। और एक चीज़, होर्डिंग में आप ज़्यादा टेक्स्ट मत डालिए, आप उसमें एक दो लाइन लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ आप मत डालिए, कम से कम रखिए। क्योंकि होर्डिंग कहाँ पे लगता है, सड़क पे लगता है। जब कोई कार से या बाइक से जाता है तो उसको एक दो सेकंड के लिए होर्डिंग देखने को मिलता है, तो एक दो सेकंड में वो ज़्यादा चीज़ें पढ़ नहीं सकता, इसीलिए कम से कम टेक्स्ट आप होर्डिंग में रखिए। इसके बाद जब आपका होर्डिंग हो जाए तो आप उसको क्लाइंट को दे और क्लाइंट उसको प्रिंट करके लगा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट बिफोर स्टार्ट टुडेज वीडियो, मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो आए। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज में मिलेगा, आप मेरे फेसबुक पेज में जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होर्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें होर्डिंग का साइज़ जानना होगा। होर्डिंग का कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं होता, क्योंकि जहाँ जितना जगह होता है उसी हिसाब से होर्डिंग को बनाया जाता है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो होता है 2:1 के रेशियो में। यानी कि जितना उसका विड्थ होगा उसका आधा उसका हाइट होगा, तो हम भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले फाइल ओपन करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। तो यहाँ पे हम प्रिंट के लिए करेंगे, तो इधर से हम जो है होर्डिंग का साइज़ देंगे। होर्डिंग जो है फिट के अनुसार बनाया जाता है, फिट के मेजरमेंट में बनाया जाता है, तो हम फिट तो नहीं है, इंचेस ले सकते हैं। इंचेस में मैं यहाँ पे एक 6 feet by 3 feet वाला होर्डिंग बनाने वाला हूँ, यानी कि 6 feet उसका विड्थ होगा और 3 feet हाइट होगा। 6 feet यानी कि 72 inch होता है और 3 feet यानी कि 36 inch। इसके जो रेजोल्यूशन है DPI या PPI जो आप बोलते हैं, पिक्सल पर इंच या डॉट पर इंच, वो मैं यहाँ पे 150 रखूँगा। जो कलर मोड होता है वो मैं CMYK रखूँगा, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग हमेशा CMYK में किया जाता है, इसीलिए मैं CMYK रखूँगा। इसके बाद मैं इसको ओके करूँगा। तो दोस्तों ऐसा जो है डॉक्यूमेंट का कैनवास बन गया है। अभी मैं यहाँ पे जो है हर एक चीज़ ला के एक अच्छा सा होर्डिंग बना के दिखाता हूँ। मैंने कुछ पिक्चर डाउनलोड करके रखा है देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड लिया है, बाद में मैं इसको और भी अच्छे से करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे जो है एक फ़ोटो लूँगा, ये एक इंडियन ब्राइड का फ़ोटो है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है तो उसका थोड़ा आवाज़ आ सकता है, इसके लिए सॉरी, आप थोड़ा उसको इग्नोर कीजिए। ज़ोरों से बारिश है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बना के ज़रूर दूँगा, चाहे जितना भी बारिश हो। तो यहाँ पे एक इमेज है, मैं अब इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। इसके लिए रेस्टरेज लेयर, थोड़ा कॉन्टैक्ट करेंगे, 2 pixel अच्छा ही होगा। अंकल जे और थोड़ा, और इसको थोड़ा फेदर भी देंगे। सिलेक्ट से मॉडिफाई में जाएंगे और थोड़ा फेदर ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 pixel फेदर ऐड करूँगा। ये सिलेक्शन को थोड़ा छोटा बड़ा करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए होता है। फिर मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल जे, तो कॉपी हो जाता है।
तो देखिए कितना अच्छा से कटआउट हुआ है। और अगर कुछ रह गया होगा तो उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, हो सकता है कुछ पिक्चर रह जाए। तो हमने एक कटआउट बना लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़े बहुत PNG इमेज लाऊंगा जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि ये एक इमेज हो गया। मैंने यहाँ पे एक ज्वेलरी का एड बना रहा हूँ, जो होटिंग है वो बना रहा हूँ। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे जो है सभी ज्वेलरी का पिक्चर जो मैंने डाउनलोड करके रखा है वो यहाँ पे लाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक लोगो डालूंगा, थोड़ा बहुत टेक्स्ट, और बस हो गया मेरा जो ऐड है वो हो ही गया है लगभग। तो चलिए मैं थोड़ा इन दोनों को ऊपर कर लेता हूँ और इस फोटो को भी थोड़ा ऊपर कर देंगे। नीचे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेस जो है बना रहा हूँ। अभी देखिए ज्वेलरी शॉप का एक लोगो भी होगा, तो मैंने एक लोगो बना के रखा है। तो मान लेते हैं शाह ज्वेलरी, मेरा टाइटल शाह है तो इसीलिए मैंने शाह ज्वेलरी बस ऐसे ही एक नाम बना के रखा है, वो यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे एक टेक्स्ट डालते हैं, कुछ आई कैची टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ न्यू डिजाइन, न्यू लेक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक लिखा है नाम कि न्यू डिजाइन न्यू कलेक्शन के नाम से। अभी मैं जो है पूरा के सिलेक्ट करूँगा जो टेक्स्ट है क्लिक करके, और मैं इसको ये जो गोल्डन कलर है यही कलर देने वाला हूँ, और इसको मैं सेंटर में करूँगा तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। और इसको थोड़ा स्टाइलिश करते हैं। और जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ, लेकिन अगर टेक्स्ट ऐसे ही डालेंगे तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं इसका थोड़ा हाइट भी बढ़ा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से जो ए बार आइकन इधर से जाके इधर देखिए हाइट दिखाता है वो मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप भी इसको हाइट बढ़ा सकते हैं अगर आपको हाइट बढ़ाना है टेक्स्ट का, या फिर आप दो अलग अलग लेयर में टेक्स्ट लिख के भी इसको मैनुअली हाइट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन ऐड करूँगा ताकि दिखने में ये थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत डिज़ाइन डाउनलोड करके रखा है, तो ये वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तो इस वाले डिज़ाइन को या फिर ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, चलिए इसको ही लेते हैं। इसको रिस्ट्रेस करते हैं और इसको भी इसी कलर में कर देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑल पकड़ के थोड़ा ड्रैग करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। और एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आपको भी ऐसा ही अपना जो डिज़ाइन है उसको एक आई कैची लुक देना पड़ेगा, वरना लोगों को आपका डिज़ाइन जो है वो पसंद नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा और साइड में हटा देता हूँ। और इसको भी थोड़ा बहुत अभी देखिए ये जितना भी टेक्स्ट वगैरह है उसको मैं अगर ऐसे ही रखता हूँ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो इसको एक अच्छा लुक देने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन पे शैडो डालेंगे।
तो शैडो डालना बहुत ही आसान है। जहाँ पे भी आपको शैडो डालना है उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन में क्लिक कीजिए और इधर से ड्रॉप शैडो डाल दीजिए। आप ड्रॉप शैडो को देख सकते हैं थोड़ा शैडो ऐड हुआ है, तो आप उसका अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं इसको 50% रखूँगा। और आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लेयर स्टाइल, और हर एक में जाके पेस्ट लेयर स्टाइल करेंगे तो वो उधर पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए इन सब में एक शेडो आया है जो इसको थोड़ा अच्छा लुक देता है। ज्वेलरी में भी दीजिए, बट इसमें मत दीजिए। आप बाकी सारे चीज़ों में जो है ड्रॉप शैडो ऐड कीजिए, लेकिन इसमें ड्रॉप शैडो मत दीजिए, इसको ऐसे रखिए। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक और एक लेयर लेंगे। लेयर को सबसे ऊपर ले जाते हैं और फिर मार्करी टूल से हम अभी इधर जो है हमारा एड्रेस, फोन नंबर, जो कुछ भी लिखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ब्लैक कलर लिया, टेक्स्ट लिया, आप इधर जो है लोकेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक लोकेशन लिख देता हूँ, मैं कुछ भी एक नंबर दे देता हूँ, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक ऐड बनाया है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज, इसको हमें थोड़ा और अच्छा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेस्टराइज, फिर इसके ऊपर एक लेयर लेके हम इसको थोड़ा पेंट करेंगे ब्लैक कलर से। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्रश जो है वो लिया, ओपेसिटी मैं यहाँ पे 30% करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर पेंट करूँगा। इससे क्या होगा कि साइड से थोड़ा ब्लैक दिखने को मिलेगा, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो हाईलाइट होगा। मैंने यहाँ पे इरेजर टूल लिया है और ताकि बीच से मैं इसको थोड़ा बहुत इरेज कर सकूँ। तो देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो हो चुका है, अब ये बिल्कुल हो चुका है। तो आप इसको सेव करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे एक फ़ोटो है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, ये सभी मैंने डाउनलोड किया है, इसके बस बनाया है और ऐसे ऐसे करके एक अच्छा सा जो है होर्डिंग आप बना सकते हैं। बाद में ये प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद शैडो पे जहाँ पे भी ये इसको लगाना होता है उधर इसको लगाया जाता है। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज, डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, होर्डिंग। चलिए मैं यहाँ पे होर्डिंग के नाम से सेव कर लेता हूँ और इसका एक इमेज भी सेव कर लेता हूँ। चलिए सेव हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ा इमेज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइन के वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज थोड़ा नॉइस होगा बाहर क्योंकि आज बारिश हो रहा है, तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि बारिश तो होता ही रहेगा। मौसम मानसून का सीजन है तो बारिश तो होगा ही, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेता आता रहूँगा, आप लोगों को सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद।